डिड़बा गांव उभिया में एक ऐसा मामला देखने को मिला जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा था। घर में पेड़ से बंधे हुए 12 वर्षीय बच्चे को मानवता की सेवा सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने गांव में जाकर बच्चे को आजाद करवाया और अपने साथ लुधियाना ले गए। गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों के कहने मुताबिक मामला यह था कि उक्त बच्चे की मां नशे की हालत में उसकी मारपीट करती थी, वो उसको खाना तक नहीं देती थी, हर समय उसे पेड़ से बांधकर रखा जाता था, जिस कारण बच्चे का मानसिक संतुलन खराब हो गया। गांव के ही एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोसाइटी के पास भेजी, जिसके बाद प्रतिनिधि बच्चे को आजाद करवा अपने साथ ले गए। बच्चे का पूरा नाम की है मां? बिक्की। बिक्की नाम ही है पूरा नाम? हाँ जी, बिक्की सिंह। बिक्की सिंह, या बिक्की सिंह संगल दे रस्से दे नाल बन्नया होया, बिचे ही लैटरिन बाथरूम कर रहा। बिक्की सिंह दी मां भी मर गई, प्यो भी मर गया। नशे करदे सी, मां भी नशे करदी सी, प्यो भी नशे करदा सी। भंग पींदा सी, शराब पींदे सी। प्यो दी मौत होई नूं किन्ना टाइम? 12 साल हो गई। प्यो दी मौत होई? हां जी, प्यो दी तां मौत 12 साल हो गया, जदों इह 2-3 साल दा सी उदों ही मर गया सी। उह उह ड्राइवर सी, ट्रक ड्राइवर बिक्कर सिंह, ते उह लै के आया सी परदेसण यूपी बिहार तों कितों। इहदे पेके पता कुछ तेरे इत्थों ली सी उह? पर अज इस बच्चे की हालत नू देख के शर्म आउंदी है, मरी हुई इंसानियत नू देख के दुख आउंदा। अज दी मरी हुई इंसानियत देख के असीं सवेरे साजे दा टाइम आ, असीं पहुंच गए हां जी इस पिंड उब्बे पिंड। कौरियां लग गए? हैं? कौरियां लग गए? कौरियां लग गए, घनौरी इधर पात्रा आ, कौरियां इहदी नाल लगदे। डड़बा वी नेड़े? डड़बा पैंदा जी। डड़बे दे जमा नेड़े आ असीं? डड़बे दे नेड़े? डड़बे दे बिलकुल नेड़े आ, संगरूर डिस्ट्रिक्ट आ। ते इह बच्चा इत्थे बेरी ना बन्नया होया, ते आ बेरी दे कंडे पता नहीं किन्नी क वारी बच्चे दे टॉयलेट नाल उहदा पजामा कच्छा भरिया पिया, हत्थां नूं सारे लैटरिन लगी हुई आ। देखो बच्चे दे टॉयलेट ही टॉयलेट लगी हत्थां नूं भी सारे। ते इस बच्चे नूं जानवरां वांगू रहना पै रहा। क्यों? किहदे करके? इहदा जिम्मेवार कौन आ? इथों दी लोकल बॉडी कित्थे आ? इथों दे सरपंच मैंबर पंचायत किधर गए? फिर इथों दा MLA किथे चला गया? MLA नूं भी नहीं सोझी हैगी इस चीज दी। फिर इह कहानी जी आई थी, इह 14-15 साल तो साडे पिंड दे विच रहिंदा थी, ते इह नशे दा आदी थी। कौन जी? इह बिक्कर सिंह। नशे दा आदी थी, आ बच्चा इन्हां ने उरे जन्म होया, इह जनानी ने गोदियों नहीं लाया, इहनूं भी नाल नशा पत्ता पलिया के इत्थे नाल बन्न के रखदी सी। मतलब पति पत्नी दोए नशा करदे? हां, नशा करदे थे, फुल पींदे थे, 2-3 बोतलां पी जांदे थे। ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮੀ ਨਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਦਾਰੂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਗਵਾਂਢਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੋਤਾ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਢਿੱਲੀ ਦਾ, ਵੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਵਾਂਢਣ ਗੁੱਡੀ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈਏ, ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਉਹ ਗਲਗੀ ਪੱਟਾ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ, ਮਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿੱਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕਰਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੋਲੇ ਵੱਜਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਈ, ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਵੀ ਆਈ। DC ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਉਰੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੀਣੋਂ ਹਟਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪੀਂਦੀ ਪੀਂਦੀ। ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਥੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।
हो गई चौथा साल लग रहा जी उन्हों। चलो उदू बाद रहे गए दो माँ पुत इन्हों भी असं देंदे रोटी ना जी उन्हें बनानी नहीं आती थी ना कोई भांडा थी ना कोई कोई चुल्हा चौंका थी। चल उदू बाद जी दिमाकों बाहर हो गई बच्चे कुटदी मार दी थी शराब जी होंगी थी वह भी पींदा थी वह भी पीती थी उदू बाद मार दी थी वह बन के फिर जो आए उन्हू अपनी मामी भी मारदा थी वह छोटा जहा डंडा रख दी फिर असं कह दें भी तू क्यों मार दिया कहीं मैं मार दूगा मेरे दंद कटते मेरे मार दा गा उदू बाद जी रस्सी बन्न लग गई अड्डे पर भी जाती उत्थे भी बन के सारे देखते तो आते जाते जेडे बहरों बसा वाले भी बहरों पिंडे आते तो साढ़े पिंड सब देखते थे अड्डे बन के रख दी थी उदू बाद उरे भी बन के रख दी थी वह एक दिन उन्हें पीली शराब ज्यादा बारिश आ गई दो दिन बारिश पई गई इतनी पई रही बेरी थले फिर गर्म सर्द होकर जी वो जुड़ गई मैं इनू कहती रही भी तेनों मैं दवाई दवा देने डॉक्टर बुला लानी कहीं मैं दवाई खाँदी नहीं ना मैं कदम खाधी भी मैंने कुछ नहीं होया। चलो जी वो दशहरे तो एक दिन पहला डैथ हो गई दशहरे वाले दिन का दा गा हाँ जी हाँ दारू पीण करके बच्चे तो थोड़ा दस दें जी बच्चे के हालात होए। चलो जी कई दिन असी रखे उरे एक दो दिन मुक्की तो बाद फिर वह चाचा आ गया दो बंदे लेके वह कहना भी मैं लेके जाना मैं कभी ऊँ तेरी मर्जी है भाई रोटी टुक असी दिने भी लिजाना लिजा भी सकता कहना कुत्ते बिले मां कुत्ते कुछ नहीं पहला कड़ा उरे रहना नहीं थी कुत्ता साडा हैगा किसी नूं बड़न नहीं दिंदा। चलो लै गया दो दिन उन्होंने रखिया तीए दिन वो सरपंचनी कोले वग गया भी असी सामभ नहीं सकते गंद पाउंदा गा। चल सरपंचनी लई दो चार घंटे इन्हें रखिया सारा सरपंचनी का मुंडा एक मैंबर फिर वो बेरी नाल बन गए। चलो कुते कपड़ा कंबल बछाता मां एक बड़ा सारा अद्धा उत्ते दे दें अद्धा थले रोटी दे दें खा लाता इत्थे पै जाता तेगा बस जी जिहा जिहा फस जाता हजे खा लाता कोई सब्जी नहीं थी चाह दें अद्धी डोल दें हाँ जे तुम कहने भी छड़ दे क्यों तो आप बनते क्यों तो जे उरे छड़ दें ऐ नहीं पता नाली च हाथ मार मार गंद खाई जाता हाँ जी हाँ जी इन्ना होतीगा ऐ नहीं पता टोबे कन्नी बग जाता उधर डुब के मर जाता एक दिन रात को खुल के बग गया उधर सड़कों पर रोंदी फिरी गई मेरा बेटा पैंदा थी इधर फिर वह भी टोल के बैटरी ला के सवेर न पंडितों के घर ने रोड से फिर वह दस के गए हाँ जी मजबूरी च बनती थी उसनू वह तो बहुत वधिया जी शाबाशे लाए गए वह कहें असं संभाल करा नवावं तमावे पढ़ावा लिखावे भी इसे विक्की ने तुम देख लो दवाई बूटी लावे भी कैसा होंगे हो सकती थी जी हूँ मूहरे स्याल आ रहा थी जी आप पाए जाने ठंड होंगी आ रातों के उठाया जाता गा नहीं भी पता लगता वह भी हो सकता थी वो बच्चे भी हाँ जी सारा कुछ दसता सी जी लाए गए देख असी कहिंदे भी हथ बन के लै गए ने भी असी आपे संभाल करांगे कोई नहीं जिथे मर्जी कहा लो असी गुआंढी हाँ असी देखते भालदे ते तीन चार घर असी कदे किसी ने रोटी देती कदे किसी ने घरें किसी तो जाती नहीं थी कहना नहीं मैं किसी तो मंग के नहीं खाती असी उरे बैठी नहीं रोटी देंदे थे हाँ जी बिहारी थी पंजाबन तो है नहीं थी बिहारी थी हाँ बच्चे की कहानी यह है जी यदा जो पिता थी सरदार बिकर सिंह ट्रक ड्राइवर सीगा ट्रक ड्राइवर होंदे होंदे वह कदे पूर्वी भैया राणी उत्थे बुला लिया तो वह भी नशे दादी थी नशे पीने भंग पीनी इस तरह मतलब यू रोकती सी ये घरवाली तो उसने की कर हौली हौली इसनों भी मतलब लाता है अपने भंग पीन भंग पीते गए तो जो क्योंकि वह लड़नों हट गई चस पै गई इस तरह की तो दोए जी ने मतलब नशा ला के करना पहला बिकर सिंह की मौत हो गई बिकर सिंह तो बाद कई साल बाद कई साल लंघ गए बेचारी उरे ये फिरी जाती क्योंकि यदा दिमाग इन्ना है नहीं सीगा बच्चे नूं गोदी रखती बच्चा भी इन्हें मतलब कुट कुट के उहदा अखां फेर के तीआं कुटदी सी दिमाग किसी बिगड़िया हुआ थी बच्चे का भी नाल बिगाड़ लिया जो बच्चे ना ना बच्चा जो जन्म लिया बड़ा सोहना सीगा सोडी कोई दाई है तो मिलया तू बड़ा सोहना बच्चा थी मतलब वो हाँ जो जन्म लिया इसने बहुत सोहना बच्चा सी नहीं वो इस तरह मैनू जो पता लगे भी बच्चा बंद रखे है मेरा अपना फर्ज बनता है मैं मान जो साडे मनजीत कौर सरपंच उसनों फोन करके मैं बुलाया उसनों तो वह असी ने वीडियो बनाई वीडियो पा के मतलब रिक्वेस्ट की किसी संस्था वास्तों तो किसी भाई कोई अपना जानकारी वास्ते भी ये साड़ी हेल्प करी जाए बच्चे की एक रब रूप समझ के क्योंकि मनुखता की सेवा ही वड्डी सेवा हैगी बन्नन का तो कहते मैं देखे नहीं दिमागी तो ठीक नहीं सीगा
क्योंकि जिदे माँ बाप मर जाते हैं उसी बच्चे जोड़ा यदि मतलब तकलीफ झल रहा है। हाँ वो मेरे टेलीफोन पर गल हुई थी, दो बार गल हुई है कि मेरा फर्ज बनता थी उसे वो एड्डी दूर आ गया एक मैं कॉल नहीं कर सकता उन्होंने कॉल करके मैं पता करे कहते भी ठीक है। बहुत मैं ना पूछो जी मैं मतलब पशुआ का भी यू चंगा होंगे बंद मतलब वो रसूख नहीं सी जो सा फर्ज थी नहीं नवा सके असं क्योंकि कितने कि मैं भी दोषी हाँ।